रचना दीदी है मौके पर का नहीं? अच्छा क्या पता नहीं है। हाँ जी भैया है, चलिए बोलिए। कल क्या पढ़े थे सखी शब्द में, बताइए क्या समझाएंगे आप हमें? हेलो हाँ बोलिए, समझाइए। सखी धन सी करा था तो हमने इदु अग्नि से पहले ई की संज्ञा की थी। इदु अग्नि सूत्र से ई की संज्ञा हुई अग्नि संज्ञा। फिर उसके बाद ठीक रेफ सो विसर्जिने। हेलो है, हाँ बोलते जाइए, सही बोल रहे हैं। रेफ सो विसर्जिने सूत्र की प्राप्ति थी इसमें, लेकिन ठीक है, हाँ संख्युश्च संख्युश्च सख्यूष मतलब सूत्र से सख्यू सी भी संख्युश्च संख्योच संख्युश्च सूत्र से सी विपत्ति ई के आने पर अन हुआ। कर दीजिए और बोल। ये बना सख धन अन धन सा। ये बन गया सखन धन सा सख्युश्च सूत्र से। अब यहाँ पे क्या है, अंत अक्ष अंतिम अक्षर से पहले, अंतिम अक्षर से पहले जो पहले का जो अक्षर है उसकी उपधा संज्ञा होती है। तो आ की जो है इसमें न से पहले आ है, इसलिए आ की उपधा संज्ञा हो गई सख धन अन धन सा। बस बहुत बढ़िया, ना के पहले आ है, इसका नाम उपधा है इसलिए इसकी उपधा संज्ञा है। बढ़िया। तो ये बन गया सख धन, इसको हम दीर्घ करेंगे दीर्घाच सूत्र से। एक मिनट कहाँ। सामने रखा हेलो हेलो हुआ है, हाँ सूत्र रखा हुआ है। हेलो लक भैया जी, ये बन गया सख धन आन धन सन सखान, बन गया सखान। दीर्घ इसे हमने दीर्घ किया है। हाँ स्क्रीन मोबाइल पे देखी, अपने एक मिनट। मोबाइल देखिए, मोबाइल हाँ जी मोबाइल देख। मोबाइल में अरुण भाई आपका सहयोग कर रहे हैं। घुटी चार संबुद्धौ सूत्र से। बहुत बढ़िया, शाबाश। घुट भैया जी, घुट आपने बताया था, घुट पांच संघ पांच विभक्तियां होती है, सी औ जस अम औ, इनकी घुट संज्ञा होती है। सही चल रहे हो तो अरुण भाई, घुट विभक्ति के परे होने पर संबुद्धि, भून बताया था आपने, घुट विभक्ति के परे होने पर असंबुद्धि। इसको फिर दीर्घ कर दी। घुटी चा संबुद्ध, हाँ घुटी चा संबुद्ध सूत्र से हमने इसका दीर्घ कर दिया। तो सख धन आन धन सब बचा। तो ये बन गया सा के पहले व्यंजन है ना, सा के पहले व्यंजन ना है। तो शाबाश, व्यंजनाच सूत्र से व्यंजन से परे सी विभक्ति का लोप होता है। बढ़िया। तो ये बन गया सख धन आन धन सखान। फिर लिंगांत नकारस्य, लिंगांत नकारस्य सूत्र से लिंगांत नकार का लोप होता है। तो ना का लोप होने से बन गया सख धन आन सख धन आस सखा, बहुत बढ़िया, सख शाबाश, धन आ सखा। बहुत बढ़िया, व्यंजन बहुत परमस व्यंजन मास्वर पर वर्णम नियत से बन गया सखा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब सखी शब्द के सामने ओ विभक्ति लाइए, आओ। एक मिनट अब सभी लोग लाइए, आओ। एक आपको बोलने का मौका, पूछना तो पूछ सकता है।
हाँ बोलिए। औ की घुट संज्ञा हो गई, औ की घुट। बोलिए कौन सी विभक्ति लाए? औ। औ इसका नाम क्या है? घुट। घुट घुट पक्का है? हाँ घुट है। हाँ जी भैया सी औ जस अम औ पांच घुट है। सही चल रहे हैं क्या गलत चल रहे हैं ये? इसमें ईधन औ होगा क्या भैया जी? हाँ ईधन औ। सक धन ईधन औ। अपने इधर उधर ना जाए मेरे को बुला लेना। आपको बता दिया था ना वो तो? देखो सूत्र लगेगा इसमें शायद ना ईधन औ का। अनतिक्रमण विश्लेष एत वो तो कर दिया ईधन औ। अवर्ण इवर्ण ए लगेगा क्या? अवर्ण इवर्ण ए इवर्ण इवर्ण अवर्ण ए होगा। किसके कि किसके देख रहे हैं? बाहुबली कौन का पहले बाद में इनके दो के लिए ये एक से दो रंग के हैं इनको क्या चिकन होता है भी आपको पूछा है ना पहले वाले देख लो ये नीला वाला उसमें कैसे आ गया। हाँ इन हाँ चलिए कौन से भक्ति ले आए? कौन से भक्ति ले आए? भक्ति आओ गुड आओ 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 भक्ति लाए। क्या नाम है इसका? गुड। हेलो गुड 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 आए थोड़ा सा अगला सूत्र लिंगांत नकार का सूत्र लाइए। अरुण भैया गर्मी में कहाँ चले गए? बस बस एक से ऊपर चलिए बस इतना ही नीचे वाले सूत्र को हाईलाइट करिए। नीचे वाले को स्क्रीन ऊपर नहीं करना, नीचे वाले सूत्र को हाईलाइट करो। नीचे वाला बस नहीं निकला अभी। बोलो दिख रहा होगा आपको सब झूठी तुए बोलो घुटी त्वई। हाँ इसको ई के स्थान पर आई आदेश कर दो। ई के स्थान पर आई त्वई। ई के स्थान पर आई आदेश कर दो आई। हेलो जी कर दिया भैया जी। सक धन आई धन औ। आई आए लगाओ आई आए लगा दी आई। सखई धन औ कर दी जल्दी कर दी बिना सोचे समझे। दोबारा सक धन आई धन औ सखई धन औ। अरे जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? आई आए सूत्र लगा दो। आई आए आए लगाना लगा दिया भैया जी। चक धन आए लगा दिया तो बोल का रहे हो? बोलते वही रहे पुरानी चीजें। बनेगा ये सखाए धन आओ बनेगा जो बनेगा बाद में बनेगा अभी तो बोलते तो जाओ। चक धन आए चक धन आए चक आए धन आओ बोलो ना। हेलो सख धन आय धन सखाए धन औ सखाए धन औ। चल कन्हैया भी जी आवाज नहीं आ रही। अब व्यंजन मात्रम परवर्णम लगा लगाओ ना। सखाए औ बनेगा
अच्छा घोटे क्या अघोटे क्या है घोटे तो क्या घोटे तो आप क्या करेंगे घुटने पर ई को क्या किया था ई को किया था किया था आई आई किया था ई को क्या कुटित्व सूत्र से दीर्घ किया था ई का आई ई का आई किया था आई अब वापस इसको यही करना है क्या यही करना है वापस भी कुटित्व सूत्र हम आई आई धन ओ आता भी किया था जस्ट ई को आई कर दो धन अब वापिस ए आई वापिस ए आई आई लगेगा फिर दोबारा आई आए सखाय कर रहे हैं कल परसों होगा दो तीन दिन में होगा कल और होगा देगा इसमें बस बस कल ही होगी लिखाई तो कल ही है ना कल ही भी लिखा जाएगा कल ही साफ होगा फिर परसों भी लिखा जाएगा परसों भी साफ होगा हाँ हाँ बोलो क्या बन गया सखाए सखाए हाँ ठीक है हाँ कौन सी विभक्ति लाओगे सूत्र से ए हो गया फिर ए आई सूत्र से आई हो जाएगा इसमें भी कौन सा कर रहे हो भाई ये द्वितीय विभक्ति अम और संबुद्धि नहीं किया सॉरी संबुद्धि करने दिया गया जी द्वितीय क्वेश्चन विभक्ति है ना तो ये घुट थोड़ी घुटी है पांच तो घुट है ना सी औ जस घुट है घुट घुट है पांच तो इसको ई को अपन ए बना देते हैं उसी घुटित्व सूत्र से वही हां वही चलेगा ए आई सूत्र लगा दिया आई बना दिया अम कर दिया इस वही सखायम आएगा ना सखायम हमारी सुनिए हाँ बताइए भैया जी सबसे पहले तो अपने को विभक्ति क्रम से लाना है और उसमें वो क्या है क्या नहीं है ये नहीं बोलने का अच्छा अभी जब आए थे तो जिसके बाद क्या लाना पड़ता है हाँ अब द्वितीय विभक्ति है भैया जी अम विभक्ति है ना संबुद्धि आता क्या नहीं आता संबुद्धि संबुद्धि आता है संबुद्धि आता है संबुद्धि विभक्ति अब करिए इसका काम करिए पूरा अभी सी औजस ना संबुद्धि में तो सी औजस ही आएगी सी लाओ ना पहले एक तो औ तो बाद में लाना हाँ सखी सखी प्लस हे सखी प्लस सी आप क्या ना बताओ ना सखी वाला हे सखी प्लस सी धन धन सब लोग मिलवाट के काम करिए आपस में सलाह मशवरा करके मानसरोवर से लेकर छत्तीसगढ़ तक लेकर राजस्थान तक
की विभक्ति में क्या किया, पहले सी विभक्ति में क्या किया था वो सेम ही होगा, खाली इसमें है सखी लखना नहीं, इसमें सिका, नहीं 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 इसमें सिका रस नदी श्रद्धा दे सी लोपम से सी का लोप होगा और 164 नंबर के सूत्र से संबुद्ध जैसे ई के स्थान पर ए हो जाएगा, इस तरह ये सखे शब्द बनेगा। ठीक है भैया जी, हाँ सह का लोप हो जाएगा हर्ष नदी से, नहीं 174 नंबर सूत्र को हाजिर करिए, नहीं बस सत्युष्ट सूत्र लगेगा भैया जी, मैंने सही बताया ना, सत्युष्ट, अरे सुनील खोलना तो भैया जी को, भैया जी सही बताया ना मैंने, पहले 176 नंबर सूत्र को हाजिर करिए, भैया जी 134 नंबर सूत्र से रस नदी श्रद्धा दे श्री लोपम सूत्र लगेगा, उसके बाद संबुद्धो चय से ई के स्थान पर ये आदेश होकर के ये सके शब्द बनेगा। 176 नंबर सूत्र लाओ, बस यही वाला 176, अरे 136 नहीं 176, 176 सखुश्च है सी का, उसमें तो अन हो जाता है किस स्थान पे, अरे वो तो पहले वाले में होगा प्रथमा में, अरे इसका नहीं होगा दीदी, भैया जी तो वो पूछ रहे हैं ना संबुद्धि वाला पूछ रहे हैं ना भैया जी, तो जी हाँ ये सखुश्च क्या कह रहा है, सखी शब्द है असंबुद्धि, पहले संबुद्धि नहीं होना चाहिए पहले, भैया जी आवाज क्लियर नहीं आ रही है थोड़ी सी, अच्छा भैया जी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, हेलो 176 नंबर का सूत्र, हेलो कह रहा है किसी संबुद्धि के परे होने पर सखी के इकार का अनादेश होगा, पर ये संबुद्धि वाला है वो जी जी तो सही है, वो संबुद्धि भिन्न है, तो जो पहला अपन प्रथमा बना रहे हैं उसमें सी के स्थान पर इसी के सखी के ई के स्थान पर आदेश होगा, लेकिन ये संबुद्धि वाला नहीं है, वो अगर आप संबुद्धि का लगाएंगे तो फिर ये सूत्र लगेगा, नदी रस नदी श्रद्धा दे सी लोकम, पहचान कैसे होगी, लिखा है संबुद्ध लिखा है ना सूत्र में, गुटी वो तो बाद में लगेगा, वो तो बाद में लगेगा ना सूत्र, सूत्र तो ये कह रहा है संबुद्धि भिन्न सी के परे होने पर, तो संबुद्धि भिन्न सी नहीं है, पहले वाला तो अपना साधारण है, साधारण है सख्य, तो उसमें सी का सीके स्थान पर अनादेश होगा, परंतु संबुद्धि होगा तो सीके सीके स्थान पर अनादेश नहीं होगा, हाँ इसमें वो बात लिखी है, ये कहना चाह रहे हैं रत्मा में तो अनादेश हो जाएगा तो, लेकिन सख्युष में तो जो सख्युष सूत्र है उसमें तो ये संबोधन से रहित है ना वो तो, हाँ, सी भी भक्ति के आने पर उसमें तो नहीं होगा, उसमें अनादेश नहीं होगा, अभी हम बोलते हैं भैया जी आपकी आवाज ही नहीं आ रही आपकी, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे समझ रहे हैं, तर्क वितर्क हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा क्यों करेंगे, मतलब आवाज आ रही है ना हमारी बहुत नहीं आ रही, नहीं आ रही भैया जी आवाज नहीं आ रही, इसलिए नहीं बोल रहे बस, अभी तो बोल रहे थे की लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, थोड़ा आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है नहीं आ रही, नहीं आ रही, अब आई है, आ गई, चलो ठीक है आवाज तो गई कम से कम, अब देखिए लिखिए सखी धन सी
सखी धन सी लिख लिया देखा हाँ जी हाँ संबुद्धि से इसकी संबुद्धि संख्या कर दो संबुद्धि संख्या संबुद्धि हिंदी मतलब संबुद्धि है संबुद्धि संबुद्धि नहीं है संबुद्धि है संबुद्धि संबुद्धि लिख दी ना संबुद्धि च सूत्र हाँ पीछे आया था शुरू में उससे संबुद्धि संख्या कर दो उसके बाद में इधु अग्नि से अग्नि संज्ञा कर दो अब सक्युष्य सूत्र को देखिए ध्यान से सक्युष्य सूत्र में कहा था संबुद्धि भिन्न सी विभक्ति होना चाहिए क्या बोलता है सूत्र संबुद्धि से अलग होना चाहिए सी विभक्ति संबुद्धि नहीं होना चाहिए उसमें तब अन होता है इस सूत्र से तो ये संबुद्धि नहीं है ये संबुद्धि है इसलिए इसमें ये नहीं होगा ठीक है हाँ जी भैया जी संबुद्धि ये सखी शब्द ह्रस्व के दीर्घ है ह्रस्व भैया जी ह्रस्व ह्रस्व भैया तो ह्रस्व तो सुन लगे ह्रस्व नदी श्रद्धा अभ्यास सरलोपम 134 नंबर का सूत्र हाँ उससे फिर सी विभक्ति का लोप हो जाएगा संबुद्धौच फिर आएगा संबुद्धौच मुनि शब्द में 164 नंबर का सूत्र जो एक कर देगा तो संबुद्धौच से सी विभक्ति का लोप हो जाने के बाद ई को ए आदेश होता है जी क्या बन जाएगा हे सखे हे सखे हे सखे द्विवचन में क्या बनेगा सखाए बना आम विभक्ति लाओ हम इसमें भैया ये गुटित्वे आएगा सूत्र हम में लगाओ ना गुटित्वे ही गुटित्वे लगाया सी का ए हो गया भैया जी भैया जी इसमें पहले वही लगाएंगे ना हम इदुद अग्नि सूत्र से पहले ई की अग्नि संज्ञा होगी ना हर चीज में अग्नि संज्ञा तो करनी पड़ेगी ना बिना अग्नि संज्ञा के कैसे काम चलेगा हाँ बार-बार बोलना पड़ेगा कि अग्नि संज्ञा भैया जी बार-बार बोलना पड़ेगा कि अग्नि संज्ञा हाँ लिखनी पड़ेगी ना ये तो अपने दिमाग में बैठा नहीं अपन को अग्नि संज्ञा है बस ई को ए करना ना समझने की दशा में आपको अग्नि संज्ञा तो करना ही पड़ेगी ना सख प्लस ई प्लस औ तो इसे सख प्लस ई प्लस औ अम सखायम सखायाम सखायाम ना आई का आय होगा ये नहीं वहां पे सखायम सखायम बनेगा सखायम 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 अरे सखायम नहीं होगा ई का आई किया है ये नहीं किया है आई का आय होता है एक आई किया है ना एक आई होगा ना आई का तो आय करोगी ना तो सखायाम बनेगा नहीं य का आधा होता है ना दीदी आय य का आधा बनेगा तो सखायम देखो सखायम आय बनेगा अब सखा में सख में आ जुड़ गया तो सखा सखा ये हो गया ये में आगे वाला जुड़ गया ए सखा याम हो गया ना अरे याम नहीं आधा ये है आय होता है ना आय आय जो है उसका यह आधा है ये आय सूत्र आधा है तो उसमें जुड़े सखायम फिर व्यंजन मात्र सखायम जी समान समने कहा है इसमें व्यंजन मसुरम से होगा ये सखायम सखायम हाँ सखी धन शस सखाय सखाय आय में ये ना ये आधा नहीं है मेरे ख्याल में ये पूरा ही है नहीं आधा आधा है आधा अभी हम देखा आय में सूत्र में आधा है ए आय आधा आधा होता है यह आधा होता है ए भी आधा होता है यह का
आठ में दोनों सम याद है क्या अब बात है सेम हो जाएगा कोई बात नहीं तुम यहाँ से रहो ना सस विभक्ति सस लिए हाँ सही है सखायम बनेगा ठीक है हाँ ठीक है आय में ये आधा है ना तो सखायम ही बनेगा हाँ क्योंकि ये व्यंजन मसुरम स्वर से हाँ सखायम अब ये तो औ तो सेम हो जाएगा औ विभक्ति का तो सेम हो जाएगा ना सकीदन चस सकीदन एस हो गया कि ईदन एस ये एधन एस कर दो ना सीधा ही अग्नि सूत्र से सकीदन चस हाँ तो एस हो जाएगा उसका चस का अन चस का अन होगा ना अन होगा का एस होगा चसो अकारे सस्य नो स्यार ना से न होगा कौन से सूत्र से 166 हाँ बोलिए कहाँ तक पहुँचते हैं सखी हैं द्वितीय का द्वितीय तैयारी द्विवचन तो वैसा का वैसा ही बनेगा अब बहुवचन अब क्या लेके आए हो अब अगुट शस पहले द्विवचन लाई जाती है पहले अगुट था अब अगुट आ गया ना शस सखी प्लस शस बहुवचन में हाँ सखी धन सस तो फिर साकन आदेश हो जाता है नया आदेश हो जाता है 166 नंबर का सूत्र कह रहा है अग्नि संयोग से परे शस के आकार को पूर्व रूप आदेश और स्त्रीलिंग को छोड़कर शस के स्थान पर नया आदेश तो आकार को पूर्व रूप करेंगे ना तो ई करेंगे ना पूर्व रूप सके में ई है तो ए को भी ई करेंगे ना सके का ई ए नहीं होगा क्या अग्नि सूत्र से नहीं अभी नया ये सके लगाना है ना अपन को शसो का कारण शस नौ क्या तो वो कहता है अग्नि संयम से परे शस के आकार को पूर्व रूप तो जो शस का जो ए है ना उसको ई करना पड़ेगा ना क्योंकि सखी में ई है तो ए को भी अपन ई हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा तो सखी हो जाएगा और शह का अपने न बनाया तो सखी शब्द बनेगा नहीं तो सक उसको तोड़ेंगे कैसे फिर सक ई का अ होगा क्या ई का है क्यों इधर भी है तो दीर्घ हो जाएगा ना समान समान ये दीर्घ हो जाएगा भाई शस में जो ए है ए को अपन ने पूर्व रूप किया तो ई हो गया ना वो रखना दीदी ई हो गया ठीक है ई शस का पूर्व के स्थान पर अपन ने कर दिया तो एक तरह से आगे इन हो गया हां इन बन गया ये तो फिर सखी में छोटा ई मिलकर के बड़ी हो गई ना हाँ बड़ी हो गया और नए आगे है ही तो सकीन हो गया सकीन सकीन क्या यार समझ में रखना दीदी ये जी सकीन हो गया सकीन सकीन व्यंजन में स्वर परवर्णम ने से सकीन रखना दीदी मैं आज की जरूरत ही नहीं है सब में जुड़ना है वो तो अन जुड़ना है ना अपन को जुड़े ना अपन इसमें समान इसमें वो कहा है एस वर्ग कहा है दोनों छोटा ही है और अर्चना हाँ जी भैया आ गया हेलो हाँ जी आ गया सकी धन शस्ता समझाओ आवाज नहीं आ रही भैया जी अरे हमको समझाओ समझ में नहीं आया हमें रचना दी बताओ डिटेल में भैया जी को आवाज ही नहीं आ रही भैया मेरे को नहीं आप बताओ हमको समझ आ गया भैया जी आपको बोलने बोल रहे कि ये कैसे बना अच्छा। बताओ सखीन कैसे बना ये पहले तो अग्नि सूत्र से अग्नि संज्ञा हुई उसके बाद बनाए सख धन ई धन शस शस का अस हो गया शसोकारः षष्ट नौ स्त्रियां सूत्र से अग्नि संज्ञक से परे शस का जो है आपने अग्नि संज्ञा जो है वो पूर्व स्वर्गत हो जाता है
हेलो आवाज डिस्टर्ब आ रही है यार। आपने अग्नि संज्ञा कहाँ करी अभी? करी कहाँ यही बोल ये होता है। बोलो ना अग्नि संज्ञा करी पर इतना ही बोलना। अग्नि है अग्नि संज्ञा करी ना सकधन ही करी कहाँ है करोगे जब तो होगी ये तो अग्नि बोलना। हाँ तो भैया जी करी ना सख धन ई धन शकार का लोप शकार लोप कर दिया अस हो गया। ये तो पहले हो गया ना अस। आवाज ही नहीं आ रही बिल्कुल। आवाज कहाँ गई हमारी? किरण दोहरा लो जल्दी जल्दी बोलो। के कार को पूर्व स्वर रूप हो गया तो ई हो जाएगा ये बन गया न असा का न हो गया सूत्र से तो सखिन बन गया सखिन। समान सवर्ण दीर्घ भक्ति सूत्र से ई ई जो है सामने इसलिए सखिन। बहुत बढ़िया टा विभक्ति लाओ। टा विभक्ति आपको क्या हुआ? अबे वक्ती लाए कि नहीं लाए? भैया जी कौन बोल रहे हैं? भैया जी किसको बोलना है? कोई भी बोलो आबे वक्ती लाओ वक्ती लाओ। भैया जी सखी शब्द है सखी धन ता ता का बतिया आ और ई का इधर तो ई का ये हो गई यम यम सवर्ण है तो ई का ये हो गया तो सखी शब्द हुआ और आ उसमें व्यंजन मैं स्वरम पर्ण वर्ण नये से आ उसमें जुड़ गया तो सख्या शब्द हो गया। ई का यह हो गया ना भैया जी ई का यह ई यम समर्णे नैचा परो लोप्य सखी यह बन गया आ जुड़ गया तो सख्या हो गया। बोलिए सखी धन का जी भैया जी सखी धन ता जी लिखा जी लिखा जी सखी धन ता लिखा के नहीं लिखा? लिख दिया लिख दिया। सख धन ई धन आ हाँ ठीक है जी। अब विद्युत अग्नि सूत्र से अग्नि संज्ञा ठीक है नहीं थी? कर लिए। अरे कर लिए नहीं पूछ रहा हूँ। विद्युत अग्नि विद्युत अग्नि हाँ तो विद्युत अग्नि से क्या होता है? ई को ए आता है। ई को ए आदेश हो जाता है। ई की अग्नि संज्ञा हुई प्राप्त थी। बोलो लिखो विदुद अग्नि विदुद अग्नि ई की अग्नि संज्ञा प्राप्त थी। विदुद अग्नि से ई को अग्नि संज्ञा प्राप्त थी जी। भैया जी आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलो ना सखी शब्द की हमने अग्नि संज्ञा की के नहीं की? हाँ प्राप्त थी संज्ञा अग्नि संज्ञा तीनों तो नहीं आ रही। भैया जी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही आवाज नहीं आ रही भैया जी बिल्कुल भी। बोल ही नहीं रहे भैया जी तो आवाज कहाँ से आएगी जी जी। हाँ अभी भैया जी कुछ नहीं बोल रही आवाज नहीं आ रही। हेलो
जी भैया जी, इदूद अग्नि से ई को अग्नि संज्ञा प्राप्त थी। हाँ लिखिए, इदूद अग्नि सूत्र से अग्नि संज्ञा प्राप्त थी, ऐसा लिखिए पहले। लिख लिया भैया जी, लिख दिए। इतने ध्यान रखना है अपने को, अग्नि संज्ञा करते थे अभी तक जी। अब टा विभक्ति के आने पर यदि हम अग्नि संज्ञा करते तो हमारे पास ताना। हाँ वो तो भैया जी आवाज नहीं आ रही। हेलो भैया जी, आइस्त्रियाम ताना, पर ये तो स्त्री बोलिए। क्या कह रहे हैं, अग्नि संज्ञा नहीं करेंगे इसको चतुर्थी विभक्ति में, ये बता रहे हैं, समझा रहे हैं टा विभक्ति के आने पर कुछ। हाँ बाकी शब्द है उसकी अग्नि संज्ञा नहीं करेंगे भैया को बोलने तो वो। हाँ भैया जी आवाज नहीं आ रही ना, तो वो बोल रहे हैं ये बात, बोल चुके हैं वो। चार विभक्ति आने पर सके शब्द की अग्नि संज्ञा नहीं होगी, इससे अग्नि संज्ञा का काम नहीं होगा, सामान्य कार्य होगा। घंटा लिखा जी भैया जी, आगे लिखिए इदूद अग्नि। भैया जी लिख लिए, आवाज नहीं आ रही है। अगला सूत्र लाइए अरुण भैया जी, जहाँ कहीं भी हो हाजिर हो। आ गया सब। अगला सूत्र लाइए और अगला लाइए। अंडरलाइन कीजिए, बोलिए। सकिष्ठा दावाग्नि, बोलिए न सकिष्ठा दावाग्नि, न सकिष्ठा दावाग्नि। शब्द को टा आदि विभक्ति से अग्नि संज्ञा नहीं होती है, बोलिए। पता नहीं कौन बोल रहा, किसकी आवाज। हेलो आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। जी भैया जी, अरे भैया जी शुरू में तो आई नहीं। क्या बोले भैया जी, फिर नहीं आ रही आवाज, ही नहीं आ रही, नहीं आ रही है भैया। अरुण भैया पता नहीं क्या जादू कर रखा है अरुण भैया ने। भैया आ जाओ, हमारी आवाज दे दो। हाँ भैया जी, हमारी अरुण भैया दे दो। हेलो भैया जी, हाँ भैया जी, जिनमानी स्तुति करो भैया, अब आवाज नहीं आ रही है। ये सही है, करो जिनमानी स्तुति, जिनमानी स्तुति करो, कल करेंगे, आवाज नहीं आ रही है। जिनमानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सुवर्णी मस्तक नो सदा दिधे दो, हे जिनमानी भारती कोई जपो निरे, जो तीरो सर ना गए तो पावे दिधे सभी को वंदना, सभी को जय जिनेन्द्र वंदना दीदी, जय जिनेन्द्र वंदना सबको, दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। स्नेह दीदी
बाद।